अब तक जितना भी डिस्कस किया है आपके साथ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको बताया था ये अगर पर्सन इनकम कमाएगा इन ए प्रीवियस ईयर तो उसको एज एन एसएससी टैक्स देना पड़ेगा इन असेसमेंट ईयर। इसके बाद हमने टैक्स और गिफ्ट का डिफरेंस किया था और इसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का भी डिफरेंस किया था। ये पिछले के पिछले क्लास में किया था। फिर सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स किया था जहां पर पहले लेवाई होना चाहिए यानी कि चार्ज क्रिएट होगा इनकम में और गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा टैक्स मांगने का। नो लेवाई नो कलेक्शन, अगर लेवाई हो गया तो कलेक्शन होके रहेगा लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको छोड़ सकती है। असेसमेंट पहले एसएससी करता है उसके बाद डिपार्टमेंट करता है और हमने वो सारे तरीके भी बताए थे आपको। इसके बाद बेसिस ऑफ लेवाई जिसमें सोर्स बेसिस और रेजिडेंट बेसिस आपको बताया था और प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन सोर्स बेसिस है तो सबसे पहले सोर्स बेसिस पे टैक्स करेंगे उसके बाद रेजिडेंट बेसिस पे टैक्स करेंगे ये बताया था आपको। इसके बाद हमने कहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरह के रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट अगर है तो इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों इनकम पे टैक्स देगा यानी कि इसकी ग्लोबल इनकम वर्ल्ड में कहीं भी पैसा कमा रहा होगा वो इनकम यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। और नॉन रेजिडेंट सिर्फ सोर्स बेसिस पे इंडिया में टैक्स देगा, अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर ही रहता है और बाहर ही पैसा कमाता है तो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किया था। हमने कहा था पहले पैसा कमाएगा उसके बाद टैक्स देगा। इसके बाद हमने बहुत सारा कुछ किया था। डेफिनेशन ऑफ पर्सन किया था, सेवन कैटेगरीज ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल मतलब लिविंग पर्सन, एचयूएफ मरने के बाद ही क्रिएट होता, कंपनी फर्म यूपीबीआई लोकल अथॉरिटी एनी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। यूनिवर्सिटीज डाइटीज क्या होंगे, एनी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होंगे। अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है तो उसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेंगे। इसके बाद हमने एक स्लैब रेट किया था आपके साथ। स्लैब रेट में अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 से 10 20% एंड एक्सीडिंग 10 लाख पे 30%। ये सारी कहानी की थी, फिर आपने टैक्स किया था, करेक्ट है। हमने यहां तक किया था। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए आप। आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम और इनकम टैक्स में दिस इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। बताइए किसी भी लॉ में डेफिनेशन किस सेक्शन में होता है, लिख के बताइए किसी भी लॉ में डेफिनेशन किस सेक्शन में होता है। टू में, तो ये भी टू में है और सेक्शन टू सबसेक्शन 24 कर रहा है आपके साथ। बेसिकली सेक्शन टू सबसेक्शन 24 करेंगे। तो इनकम किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन टू सबसेक्शन 24 में। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अकाउंट्स में रिसीट कितने तरह के हैं, अकाउंट्स में रिसीट कितने तरह के हैं। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट में क्या ये रिसीट इनकम है या उसमें खर्चे माइनस करने के बाद इनकम आएगी। लिख के बताइए रिसीट इनकम है या उसमें खर्चे माइनस करने के बाद इनकम आएगी। इनकम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, इनकम का मतलब यस इंक्रीज इन कैश इनकम का मतलब इंक्रीज इन कैश। अगर मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा और 12 रुपए में बेचा है तो मेरी जो टोटल रिसीट है वो तो 12 रुपीज है और मेरे खर्चे कितने हैं 10 रुपीज, तो इंक्रीज इन कैश कितना है 2, तो मेरी इनकम कितनी है 2। तो रेवेन्यू रिसीट में मैं क्या माइनस कर रहा हूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तभी इनकम आएगी।
उसी तरह से कैपिटल रिसीट में मैं क्या माइनस कर रहा हूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तभी इनकम आएगी। हाँ या ना? मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी लिखिए, रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है? सेल ना, सेल ऑफ गुड्स ना, और कुछ? और कुछ आपको अकाउंट्स में समझाया भी गया होगा, आपको अकाउंट्स में समझाया भी गया होगा। रूटीन इनकम, देखिए जो आपने सीखा होगा कि जो बार बार मिले वो रेवेन्यू रिसीट है, जो रूटीन इनकम कह रहे हो आप, जो बार बार मिले वो रेवेन्यू रिसीट है, सही या गलत? सही है। लेकिन आप सोचिए कोई भी रिसीट आपको बार बार क्यों मिलती है, क्या कारण है जो बार बार मिलती है? कोई भी रिसीट बार बार क्यों मिलती है? बिजनेस के कारण मिलती है, और किस कारण मिलती है? और किस कारण मिलती है? इन्वेस्टमेंट किया हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, आपके पास शेयर्स हो, यानी कि आपके पास कोई एसेट पहले से है जिसके कारण आपको वो रिसीट बार बार मिलती है। तो अगर मुझे रेवेन्यू रिसीट का डेफिनेशन लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर एवरी रेवेन्यू रिसीट देयर एग्जिस्ट एसेट। एसेट को हम लोग कह रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम। क्या कह रहे हैं इसे? सोर्स ऑफ इनकम है ना। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं आपके साथ, आपको बताना है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फ्रूट्स, इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है बताएंगे आप? ट्री, क्रॉप्स के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लैंड या फील्ड। सैलरी के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर्विसेस। रेंट के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेंट के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? प्रॉपर्टी, जनरेटर किराए पे देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। डिविडेंड के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? शेयर्स। इंटरेस्ट के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिक्स डिपॉजिट, लोन, कुछ भी हो सकता है। रॉयल्टी के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नॉलेज है ना। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारा का सारा आपको बार बार मिलता है या एक ही बार में, एक बार मिलता है?
बार बार मिलता है। बार बार मिलने का कारण क्या है? बार बार मिलने का कारण क्या है? सोर्स है, कोई एसेट है। ये बार बार का मतलब क्या होता है, डेली या मंथली? बार बार का मतलब क्या है, डेली या मंथली? ये डेली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ता है? आपको जो इंटरेस्ट है वो तो आप बैंक को बताते हैं कि आप मंथली दें, क्वार्टरली दें, हाफ ईयरली दें, ईयरली दें। या जब फिक्स डिपॉजिट आपने 5 साल के लिए करवा दिया, बोला जब 5 साल बाद मेच्योर होगा तभी इंटरेस्ट दे दीजिएगा, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार का कॉन्सेप्ट बहुत सही नहीं है अप्लाई करना। मैं क्या अप्लाई करूंगा कि अगर सर सोर्स है तो हर हालत में रेवेन्यू रिसीट है, वो फ्रीक्वेंसी उसका कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी बताइए डेली मिलता है या मंथ में एक बार मिलता है? मंथली। लेकिन जो डेली वर्कर्स हैं, डेली वेज लेबरर्स हैं, उनको डेली मिलता है तो रहेगा तो रेवेन्यू रिसीट ही रहेगा, तो रेवेन्यू रिसीट ही है ना। तो फॉर एवरी रेवेन्यू रिसीट देयर एग्जिस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम। दैट सोर्स ऑफ इनकम में भी टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट, एसेट होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का भी एसेट हो। ये बताइए ये फिक्स डिपॉजिट या लोन मनी है? मनी इज एन एसेट। शेयर इज एन एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी इज ए टैंजिबल एसेट। नॉलेज इज एन इनटैंजिबल एसेट। लेकिन अगर मैं जिस चीज से मैं पैसा कमा रहा हूं, जिसके कारण मैं पैसा कमा रहा हूं, उसी को बेच दूं, मान लो मैं लैंड को ही बेच दूं, इसी को मैं सेल कर दूं, तो क्या होगा, कौन सा रिसीट है? मैं लैंड को ही बेच दूं तो कौन सा रिसीट है? मैं लैंड को ही बेच दूं तो कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट। बहुत अच्छा। तो जिस चीज से मैं पैसा कमा रहा हूं उसको बेचूंगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल रिसीट मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, मान लो आपको गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला, ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? गिफ्ट रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। क्यों है कैपिटल रिसीट? क्यों है कैपिटल रिसीट? क्योंकि क्योंकि इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्यों मिल रहा है? एवं ही मिल रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं अगर कैपिटल रिसीट का मतलब लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? पहला, सेल ऑफ एसेट इज ए कैपिटल रिसीट। दूसरा, रिसीट फॉर विच देयर डू नॉट एग्जिस्ट ए सोर्स ऑफ इनकम। आया? ये किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम लिखा हुआ है ना, फिर ये भी लिखा हुआ है।
सारे एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है लिखा हुआ, कैपिटल रिसीट के हमने दो एग्जाम्पल लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको नोटिंग करना है तो साथ साथ नोटिंग करते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। अब मुझे एक बात बताइए, हमने इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, फिर खर्चे माइनस करके इनकम निकाल लिया। हम लोग ये इनकम क्यों निकाल रहे हैं, इनकम क्यों निकाल रहे हैं, कारण क्या है? टैक्स लगाने के लिए। टैक्स किस इनकम पे लगता है, टैक्स किस इनकम पे लगता है? टैक्सेबल इनकम पे लगता है। तो बेसिकली हम लोग टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जितने भी इनकम है सब पे टैक्स लगता है या कुछ इनकम ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है? तो देर आर सर्टन इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो हम लोग जो आप कर रहे हैं आपके साथ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, और बेसिकली हमने ये जानना चाह रहे हैं कि ये वाली इनकम टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। टैक्स रेट तो मैं बाद में लगाऊंगा, लेकिन पहले वो टोटल इनकम का या टैक्सेबल इनकम का पार्ट है या नहीं है ये भी तो जानना है। और याद रखिएगा अभी हम लोग इनकम टैक्स के अंदर घुसे नहीं है, हम लोग इनकम टैक्स के अंदर देखेंगे, लेकिन पहले एक कॉमन सेंस, एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा है आपके साथ। मुझे एक बात बताइए, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, क्या रेवेन्यू रिसीट के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? यस, तो एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल, और आई कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड। कैपिटल रिसीट, अच्छा पहले इसका एग्जाम्पल दीजिए। हमने ये कहा कि हर रेवेन्यू रिसीट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, लेकिन अगर कोई इनकम स्पेसिफाई किया हुआ इनकम टैक्स एक्ट में कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, उसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे। ऐसी कौन सी रेवेन्यू रिसीट है जिसको हमने एग्जेम्प्ट किया है, बताएंगे आप? कौन सी रिसीट टोटल इनकम का या टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होता है? एग्रीकल्चरल इनकम। सबसे पहले बताइए क्या एग्रीकल्चर इनकम रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है? एग्रीकल्चर इनकम रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है? है। फ्रूट्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, क्रॉप्स फ्रॉम लैंड और फील्ड, दे आर ऑल एग्रीकल्चरल इनकम, दे आर ऑल रेवेन्यू रिसीट, बट स्टिल इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो हमने एक्ट में ढूंढा और हमें मिला, कहां लिखा हुआ मिला, एक्सप्रेसली लिखा हुआ मिला। तो एग्रीकल्चरल इनकम इवन दो एग्रीकल्चर इवन दो रेवेन्यू रिसीट इज एग्जेम्प्टेड, नॉट ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम।
बताइए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट क्यों है? रेवेन्यू रिसीट क्यों है? रेवेन्यू रिसीट बिकॉज देर एग्जिस्ट एज सोर्स ऑफ इनकम. अगर रेवेन्यू रिसीट है तो इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम. ये टोटल इनकम में ऐड होगा. लेकिन अगर कहीं स्पेशली लिखा हुआ है कि इसको एग्जेम्प्ट करना है तो हम एग्जेम्प्ट करेंगे. और हमने ढूंढा और हमें मिला अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15. तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में कुछ इंटरेस्ट, जैसे मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. जैसे बैंक में आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस पर भी सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इज एग्जेम्प्ट. तो उसमें लिमिट दी हुई है 3500 रुपीज की, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 की लिमिट. तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट कितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है? मान लो मुझे 7500 मिल रहा है, तो 3500 एग्जेम्प्ट है. तो बाकी तो 3500 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम. जो बैलेंस बचेगा 4000, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम. आया? तो हमने दो एग्जांपल लिए हैं आपके साथ. अब मुझे एक बात बताइए कैपिटल रिसीट के बारे में. क्या कैपिटल रिसीट को टैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? क्या कैपिटल रिसीट को टैक्स करना चाहिए? हाँ या ना? आप कह रहे हैं हाँ. मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, एक मिनट होल्ड कीजिए. एक मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, कौन प्यारा, मुर्गी या सोने का अंडा? बोलिए. नवीन और रहमान जी आप लोग बोल दीजिए, आप लोग चुपचाप देख रहे हैं. मुर्गी प्यारी है? मुर्गी सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं? मुर्गी सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं? हाँ या ना? तो मुर्गी इज ए सोर्स ऑफ इनकम. अंडा क्या है? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? अंडा क्या है? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? बोलिए. रेवेन्यू रिसीट है, करेक्ट, रेवेन्यू रिसीट. क्या मुर्गी को ऊपर, मुर्गी को मैं टैक्सेबल, अगर मैं मुर्गी को काटूंगा तो किसका नुकसान होगा? एक मुर्गी जो सोने का अंडा दे रही है, उसको मैं काटूंगा तो किसका नुकसान होगा? मेरा तो होगा ही होगा, क्योंकि सोने का अंडा नहीं मिलेगा. प्लस गवर्नमेंट का भी होगा, प्लस अंडे का तो है ही ऑब्वियसली, प्लस गवर्नमेंट का भी होगा. क्यों? क्योंकि सोने के अंडे पे गवर्नमेंट बार बार हर बार टैक्स लेती थी. मुर्गी नहीं तो सोने का अंडा नहीं. क्लियर है? तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एवरी कैपिटल रिसीट Not a part of total income. Capital receipt है तो total income का part नहीं होगा. Unless otherwise is made a part of total income.
यानी कि अनलेस अदरवाइज मेड टैक्सेबल, टैक्सेबल होता ही वो टोटल इनकम का पार्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मैंने ऊपर में कुछ एग्जांपल्स लिए थे ये वाले, मैं लैंड बेचता हूं, आई सेल द लैंड, मैंने ये लैंड 10 लाख रुपए में खरीदा था और 30 लाख रुपए में बेच दिया, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। अगर कैपिटल रिसीट है, अगर कैपिटल रिसीट है तो बताइए क्या होगा, अगर कैपिटल रिसीट है तो क्या होगा? नॉट ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम। लेकिन अगर एक्ट में लिखा हुआ है कहीं कि नहीं नहीं ये पार्ट ऑफ टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम में ऐड होगा, टैक्सेबल करना है, तो टैक्स लग जाएगा। और हमने एक्ट में ढूंढा और हमें मिला, हमने एक्ट में ढूंढा और हमें मिला, इसको इनकम बनाया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इसको लिखा गया इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन, इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन लिखा हुआ है उसमें। मैं अभी आपको एक्ट दिखलाऊंगा, अपनी बुक नहीं, बेयर एक्ट दिखलाऊंगा, इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए आप, आपके फादर आपको गिफ्ट देते हैं, मान लीजिए आपने, आप अपने फादर के पास गए, अपने पेरेंट्स के पास गए, बोले पापा मम्मा पैसे दो 2 लाख रुपए, और आपको मिल जाते हैं, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा, आप कहते हैं कि पापा मम्मा 2 लाख रुपए दो और आपको मिल जाते हैं, एक बार बताइए ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। आप लोग जितने लोग भी हैं, आप लोग बाकी लोग क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। किसी के मन में आ रहा है रेवेन्यू रिसीट, क्या इसको रेवेन्यू रिसीट बोले? डेली बेसिस पे आपको पॉकेट मनी मिलती है, डेली बेसिस पे आपको पॉकेट मनी मिलती है, डेली बेसिस पे आपके पापा आपको 2-2 हजार रुपया देते हैं, मान लीजिए नहीं मिलती है लेकिन मान लीजिए मिलती है, तो क्या ये जो डेली बेसिस पे पॉकेट मनी मिलती है ये रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? तब भी कैपिटल है, तब भी कैपिटल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दिस इज ऑलवेज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज यू एवं ही मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल सही। मैंने क्लास में अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि ये रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, कहता सर हाँ सर रेवेन्यू रिसीट, तो मेरा दूसरा सवाल था कि ये रेवेन्यू रिसीट है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो कहता है मेरे पापा सोर्स ऑफ इनकम है, तब हमने तीसरा सवाल पूछा आपके पापा टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है? आपके पापा सोर्स ऑफ मनी तो हो सकते हैं लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकते, कमाने का जरिया नहीं है। तो अगर ये गिफ्ट कैपिटल रिसीट है, अगर ये गिफ्ट कैपिटल रिसीट है तो बताइए ये टोटल इनकम का पार्ट होगा या नहीं होगा? नॉट ए पार्ट। नहीं होगा, नहीं होगा। गिफ्ट्स दो तरह के, एक होता है पर्सनल गिफ्ट, दूसरा होता है प्रोफेशनल गिफ्ट। शाहरुख खान किसी के शादी में जाके डांस करता है,
और जो दुबई का शेख है उसको दुबई में एक फ्लैट गिफ्ट कर देता है। बताइए ये पर्सनल गिफ्ट है या प्रोफेशनल गिफ्ट है? प्रोफेशनल गिफ्ट है। तो ये प्रोफेशनल गिफ्ट के पीछे सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है? इस प्रोफेशनल गिफ्ट के पीछे सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है? तो ये रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। शाहरुख खान का बर्थडे है और बर्थडे में वो बहुत सारे गेस्ट को बुलाता है और बहुत सारे गेस्ट मिलके उसको गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट की वैल्यू है करीब करीब 10 लाख या 10 करोड़। बताइए ये पर्सनल गिफ्ट या प्रोफेशनल गिफ्ट? पर्सनल गिफ्ट, बिल्कुल सही, ये पर्सनल गिफ्ट होगा और पर्सनल गिफ्ट है तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर एक्ट में कहीं लिखा हुआ है इसको हमको टैक्स करना, तो क्या करेंगे? टैक्स कर देंगे। और हमने एक्ट में ढूंढा और हमें मिला रिलेटिव नॉन रिलेटिव। तो हमने एक्ट में ढूंढा और हमें मिला, और क्या मिला कि अगर नॉन रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिलेगा तो इसको हम लोग इनकम मानेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। और अगर नॉन रिलेटिव से मिला तो नॉट एन इनकम, इसको इनकम हम नहीं मानेंगे, नॉट एन इनकम। देखिए हमने कैसे कैसे स्टार्ट किया। हमने कहा कि इनकम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया। फिर हमने ये डिसाइड करने की कोशिश किया कि रेवेन्यू रिसीट इज ए इनकम और नॉट, कैपिटल रिसीट इज योर इनकम और नॉट। तो हमने कहा एवरी रेवेन्यू रिसीट इज एन इनकम, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज एन इनकम, ये इनकम है। लेकिन अगर एक्ट में लिखा हुआ है इनकम है और ये टैक्सेबल है तो इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। कैपिटल रिसीट में लिखा हो कि भैया ये कोई भी कैपिटल रिसीट नॉट ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम, लेकिन कहीं लिखा हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम और ये इनकम मान लिया जाएगा, तो इसको हम इनकम मान लेंगे। इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम आपको एक्ट बी दिखलाएंगे। कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन है वो या तो इंक्लूड से स्टार्ट होता है या फिर मीन से स्टार्ट होता है, करेक्ट है? अगर कोई मीन से, कोई डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, यानी कि जो उसमें लिखा हुआ वही मानेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं मानेंगे। ये टाइट डोर डेफिनेशन है, बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन है ये खुला हुआ बॉक्स है, ओपन बॉक्स डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स के बाहर का एग्जाम्पल ले लूं, अगर मुझे प्लैनेट डिफाइन करना हो तो मैं इंक्लूड्स वर्ड लिखूंगा या मीन्स वर्ड लिखूंगा? जबकि मुझे पता है प्लैनेट सिर्फ 8 हैं, तो मैं 8ों प्लैनेट के नाम लिख दूंगा तो प्लैनेट का डेफिनेशन खत्म हो जाएगा। प्लैनेट मीन्स मर्कुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह वगैरह, जो और 8 नाम लिख दूंगा। लेकिन मुझे अगर स्टार डिफाइन करना हो तो स्टार तो बहुत तरह के हैं, तो स्टार इंक्लूड्स कर कुछ 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 लिखता रहूंगा। तो स्टार इंक्लूड्स सन, इसका मतलब जो सन की जो फीचर्स लिए हुए वो सारे स्टार हैं। तो मून कैन नॉट बी ए प्लैनेट क्योंकि प्लैनेट के नाम में नहीं है। प्लैनेट मून स्टार नहीं हो सकता क्योंकि वो सन की तरह नहीं है। अब मैं आपको, ये तो इनकम टैक्स के बाहर की बात हो गई, अब मैं आपको बताता हूं प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर, ये लिखा हुआ है आपके पास। प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर, बताइए प्रीवियस ईयर क्या कैलेंडर ईयर हो सकता है, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि मींस लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर मींस,
पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल तो असेसमेंट ईयर क्या 12 महीने से ज्यादा का हो सकता है? हाँ या ना? नहीं। क्या असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है? नहीं। क्या असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल के बाद शुरू हो सकता है या हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होगा? हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होगा, क्योंकि ये टाइट डोर डेफिनेशन है। टाइट डोर, जो लिखा हुआ है वही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। करेक्ट है। अब मैं अगर लिखता हूं स्वीट्स, मैं पूछता हूं मिठाई क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? सर स्वीट्स इंक्लूड्स रसगुल्ला, संदेश वगैरह 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 और दो चार चीज का नाम है, यानी कि जो चीज मीठा है वो स्वीट है। तो अगर मैंने 3 चीजों का नाम लिखा है स्वीट्स में, तो चौथी चीज भी, पांचवी चीज, छठी चीज और हजारों चीज स्वीट्स हो सकती है, अगर इसके नेचर को सेटिस्फाई कर दे तो। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं अगर ये लिखता हूं इनकम इंक्लूड्स, सॉरी इनकम इंक्लूड्स सैलरी रेंट प्रॉफिट, बस इतना ही लिखा है, बताइए। सैलरी का नेचर क्या है? रेवेन्यू रिसीट वाला है, कैपिटल रिसीट वाला है? रेवेन्यू रिसीट। रेंट का नेचर क्या है? रेवेन्यू रिसीट। प्रॉफिट का नेचर क्या है? रेवेन्यू रिसीट। अब मैं आपसे पूछूं गिफ्ट इनकम है या नहीं? गिफ्ट इनकम है या नहीं? पहले बताइए गिफ्ट का नेचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। और इनकम के डेफिनेशन में लिखा हुआ इनकम इंक्लूड्स, और जितने एग्जांपल्स लिए हुए वो सारे रेवेन्यू नेचर के लिए हुए, और गिफ्ट कैपिटल इन नेचर है, तो गिफ्ट इनकम नहीं है इस इतना डेफिनेशन लिखने के बाद, है ना। अब मुझे गिफ्ट को इनकम बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, बोलिए? मुझे गिफ्ट को इनकम बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? लिखना होगा उसमें, यस। तो मुझे यहां पर गिफ्ट लिखना होगा अलग से। बहुत बढ़िया। आप देखिए हमने शुरुआत कैसे की थी। एवरी कैपिटल रिसीट नॉट ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम अनलेस अदरवाइज इज मेड ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि उसको इनकम मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपसे और एक पूछता हूं, इंटरेस्ट इनकम है या नहीं? नहीं नहीं, रेवेन्यू रिसीट तो है, इनकम है या नहीं? है, बिल्कुल है। यहां नहीं लिखा हुआ है इनकम के डेफिनेशन में, इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, फिर भी इनकम है या नहीं? है, क्योंकि इंटरेस्ट इज ए रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट इज ए रेवेन्यू रिसीट। अब आप देखिए एवरी रेवेन्यू रिसीट इज एन इनकम, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज ए इनकम, दैट इज एवरी रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड। आया। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ दिखलाता हूं, रुकिए आपको एक्ट दिखलाएं, ये एक्ट नजर आ रहा होगा आपको, ये इनकम टैक्स इंडिया.gov.in है,
यहां एक्ट में गया, इनकम टैक्स एक्ट में गया, यहां सेक्शन टू में गया। सेक्शन टू क्या है? डेफिनेशन है ना। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ जी, आ जाइए आप, आ जाइए। हाँ, इंदर लोग पहुंच के कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए, एडवांस टैक्स मींस एग्रीकल्चर इनकम मींस, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में। अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, देखिए कैसे एक्ट लिखा हुआ। सेक्शन 2 डेफिनेशन 2, 1, 1A, ये सब सेक्शन है, उसके क्लॉज है, क्लॉज के भी सब क्लॉज है, यू ठीक है। इसके बाद आप आइए, ये देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 1B अमलगमेशन डिफाइन कर रहा है। तो ये अल्फाबेटिकली डेफिनेशन होते हैं, अल्फाबेटिकली डेफिनेशन होते हैं। अब मुझे जाना है इनकम, तो ए ए चल रहा है, तो मैं एकदम नीचे जाऊंगा जब तक आई, देखिए एच आई सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, है ना। अब देखिए मैं आपको दिखलाता हूं, गिफ्ट्स, ये देखिए कैपिटल गेन, ये कैपिटल रिसीट इन नेचर है, तो इसलिए लिखना पड़ा। 56 कहां है? ये रहा, एनी सम रेफर टू इन सेक्शन 56, 56 रेफर करता है गिफ्ट्स के बारे में, तो ये इनकम बना दिया गया। देखिए 56 गिफ्ट्स फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स इनकम बना दिया गया, क्लियर है। अब मैं आपको असेसमेंट ईयर दिखलाता हूं, असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली ए से स्टार्ट है, तो ऊपर ही होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, तो मींस से स्टार्ट है, 12 महीने से ज्यादा या कम नहीं हो सकता, 1 अप्रैल से पहले या बाद में शुरू नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में है, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में, और 2 में भी लिखा हुआ प्रीवियस, मैं भी आपको दिखाता हूं, पी नीचे होगा, आई जे के लमनो पी, पी प्रीवियस ईयर मींस द प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड सेक्शन 3, मैं यहां क्लिक करता हूं, ये देखिए प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए मैं बार बार लिखता था प्रीवियस ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अगर असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर 2021 है, खत्म। बताइए आया, लिख के बता दीजिए प्लीज, तो आपको बेयर एक्ट देखना हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मुझे अब निकालना है क्या? टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने बनाते हैं आप? अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने बनाते हैं आप? एक बनाते हैं। इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने बनते हैं? इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 बनेंगे, 5, क्योंकि हमने इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और मैं ये कहता हूं ये 5 घर है हमारे। क्या है? 5 घर। सैलरी का घर अलग, क्योंकि सैलरी को कमाने का तरीका अलग, सैलरी के एग्जेम्पशन और खर्चे अलग अलग तरह के हैं। उसके बाद रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट जो आने आता है उसका हमने अलग घर बना दिया, क्योंकि उसके खर्चे अलग तरीके के हैं। फिर है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जनरली अकाउंटिंग में यही बनाते हैं आप पीजीबीपी।
करेक्ट है। इसके बाद एसेट को बेच के अगर आपने पैसा कमाया है तो उसका अलग कैपिटल गेन बना दिया उसको, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो पहले चार हेड में नहीं फॉल करती है वो अदर सोर्सेस में फॉल करेगी, और उसको क्या कहेंगे, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, वो अदर सोर्सेस में जाती है। मुझे एक बात बताइए, अब आप हमने जब इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, है ना, इससे पहले एक बात और बताइए मेरे को, अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में आप बताइए सेल्स में आप क्या क्या लिखते हैं, सेल्स प्रॉफिट, सॉरी क्रेडिट साइड में आप क्या क्या लिखते हैं, सेल्स बताइए, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये तमाम तरह की चीजें लिखते हैं, और एक लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इसके बाद आप यहां लिखते हैं परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तमाम तरह के खर्चे यहां लिख देते हैं, तमाम तरह की रिसीट्स यहां लिख देते हैं, और नेट प्रॉफिट आ जाता है, है ना। रेंट को भी इसी के साथ लिख दिया, डिविडेंड को भी इसी के साथ लिख दिया, इंटरेस्ट को भी इसके साथ लिख दिया, सब मिक्स्ड है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये तो सोर्स ऑफ इनकम को बेच के जो पैसा कमाया, एसेट को बेच के जो पैसा कमाया वो भी आपने एक ही जगह लिख दिया। इनकम टैक्स ये कह रहा है कि नहीं नहीं अलग अलग करो, ये सेल्स और सेल्स के खर्चे, इसको हम पीजीबीपी बोलेंगे, बिजनेस का हेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, बिजनेस हेड बोलेंगे। रेंट को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी वाला बोलेंगे, डिविडेंड इंटरेस्ट इसको हम लोग अदर सोर्सेस बोलेंगे, एसेट बेच के अगर आप पैसा कमाएंगे तो हम इसको कैपिटल गेन बोलेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि कमाने के तरीके अलग अलग हैं, खर्चे अलग अलग हैं। तो ये इनकम आ गई। मुझे एक बात बताइए आप, इस इनकम को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं, चार पार्ट में, बताइए सैलरी रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है, सैलरी रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है, तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है, तो पीजीबीपी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है, लेकिन डिविडेंड सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, इंटरेस्ट सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, रॉयल्टी सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, तो वो अदर सोर्सेस में जाएगा। उसी तरह से कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एसेट बेच के मैंने पैसा कमाया है, तो ये कहां जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल गेन। एसेट बेच के जो पैसा कमाया, लेकिन अगर आपको गिफ्ट मिला फ्रॉम नॉन रिलेटिव, गिफ्ट मिला है फ्रॉम नॉन रिलेटिव, इनकम तो है, किस हेड में ले जाएंगे आप, किस हेड में ले जाएंगे, अदर सोर्सेस में, अदर सोर्स में, क्यों अदर सोर्स में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, पीजीबीपी नहीं, कैपिटल गेन में तो वही जाता है जो एसेट बेच के आता है, तो अदर सोर्सेस में जाएगा। ठीक है, सेक्शन लिख दे एक बार, सेक्शन जैसे ही लिखूंगा तो थोड़ा सा सर में दर्द होगा, लेकिन लिखना जरूरी है, 15 to 17, 22 से 27,
28 से 44 डी, ये 56 से 59, ये 45 से 55 ए। रुकिए मैं आपको दिखलाता हूं कुछ। ये है चैप्टर फोर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कहता है कि हेड्स ऑफ इनकम कितने होंगे, सेक्शन 14 में पांच होंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। पहले छह हुआ करते थे, इसमें डिविडेंड और इंटरेस्ट था, इसको यहां से शिफ्ट करके वो अदर सोर्सेस में ले गए। इसको मैं बंद करता हूं। सैलरी क्या बोला था हमने, सैलरी कहां से कहां तक, 15 से लेकर 17 तक। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27 तक, 28 पीजीबीपी शुरू हो गया, तो 28 से 44 डी तक। लेकिन ये पीजीबीपी का जो सेक्शन है ना, 44 डी के बाद भी बढ़ा है, और ये 44 देखिए कहां तक चला, कहां तक चला, डीबी तक आ गया, 44 डीबी। कैपिटल गेन 45 से 55 ए तक, एक मिनट, 55 ए तक। फिर अदर सोर्सेस 56 टू 59 तक। दिखाई दिया था आप लोग को, क्लियर है? अब मैं उस सेक्शन के अंदर जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारा मेन एम क्या है कैलकुलेट करना, ग्रॉस टोटल इनकम। तो पांचों हेड, इसके बाद दो एडजस्टमेंट करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन है कहां से कहां तक, 60 to 65, और ये है 70 to 80, 70 to 80 क्लबिंग ऑफ इनकम। इन सबको मैं करूंगा तो ये आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैं पूछूं ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यू एड ऑल द फाइव हेड्स एंड मेक टू एडजस्टमेंट, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये क्लबिंग ऑफ इनकम रेस्पेक्टिव हेड में ही एडजस्ट होते हैं। जैसे माइनर चाइल्ड अगर इंटरेस्ट कमा रहा है तो इंटरेस्ट पेरेंट्स में क्लब होगी, लेकिन किस हेड में क्लब होगी, अदर सोर्सेस में। मैं कहता हूं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सेट ऑफ होगा, लेकिन किसके साथ सेट ऑफ होगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही सेट ऑफ होगा, नहीं सेट ऑफ हो पाया तो किसी और हेड के साथ सेट ऑफ होगा। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा दिखलाता हूं। अच्छा बाद में, बाद में। तो अब मैं आपसे पूछूं ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लिख के बताइए, एड ऑल दी फाइव हेड्स एंड मेक टू एडजस्टमेंट, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। क्या आएगा, ग्रॉस टोटल। ये मत भूलिएगा ये बोलना, और ये रेस्पेक्टिव हेड्स में ही होंगे। इसमें लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, ये आएगा टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम पे टैक्स लगाना है, इसी टोटल इनकम पे मुझे क्या लगाना है, टैक्स। मुझे एक बात बताइए आप, ऐसी कोई इनकम है, ऐसी कौन सी इनकम है जो मुझे शो तो करनी है लेकिन टैक्सेबल नहीं है।
ऐसी कौन सी इनकम है जो शो तो करनी है लेकिन टैक्सेबल नहीं है? एग्जेम्प्टेड इनकम, जो सेक्शन 10 to 13A में है। गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, रिटर्न में शो करना पड़ता है, रिटर्न में बताना पड़ता है कि ये मैं एग्जेम्प्टेड इनकम कमा रहा हूं। और गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इनकम ही नहीं है। हमने इनकम के डेफिनेशन में पढ़ा आपके साथ, गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव इनकम है। पहले तो इनकम होनी चाहिए, इनकम होगी तभी तो ये पांचों हेड में जाएगा। इनकम ही नहीं है तो तभी बाहर होगा, और इनकम है लेकिन एग्जेम्प्टेड है तो बाहर होगा। अब मैं आपको एक बार दिखलाता हूं, तो ये देखिए अदर सोर्सेस तक आ गए। मैं सबसे पहले आपको दिखलाता हूं ये इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसका मतलब ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, जिसमें सेक्शन 10 हमने आपको बताया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम का मतलब वो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 जब भी बोलूंगा डेफिनेशन है। फिर हमने आपको बताया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, 15, ये देखिए 6, 6B, 10 चल रहा है, 10 चल रहा है, 15 आ गया। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, और हमने बताया था 3,000 रुपीज का एग्जेम्पशन। कहाँ है? बहुत मुश्किल होता है इसमें ढूंढना। कंट्रोल एफ करता हूं, शायद मिल जाए। 3,000 नहीं मिला। THOUS 1,000 तो मिल गया। थाउजेंड 1,500 माइनर चाइल्ड का है, कहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में दिखला भी दूंगा। सेविंग्स और कहा सेविंग्स। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते। ठीक है, ओके। और कुछ बताना था वो तो रह गया। तो ये इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब देखिए हमने किया क्या, बेसिस ऑफ चार्ज, इसमें हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, तो ये पूरा करेंगे हम लोग आपके साथ। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे, फिर इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, ये 60 से 65, ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम हम लोग नहीं करते आपके साथ, लेकिन इसके लिए हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करते हैं 70 से जो शुरू है, 70 to 80। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो ये 80C to 80U, ये तमाम चीजें हो जाएंगी। उसके बाद रेट्स ऑफ टैक्स, क्लियर है? चलिए, अब मैंने आपसे एक बात पूछी थी,
पहले आप पैसा कमाएंगे या पहले टैक्स देंगे? और जिस प्रीवियस ईयर में पैसे कमाएंगे उसको जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसे कमाएंगे उसको प्रीवियस ईयर कहेंगे, और जिस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देंगे उसको असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो यहां पैसे कमा लीजिए, तो यहीं पर टोटल इनकम कंप्यूट करना है, इसी प्रीवियस ईयर के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करना है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और इनकम टैक्स के लैंग्वेज में टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। हमने डेट ये सब के साथ एग्जांपल्स लिए थे, और यहीं पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। क्या गवर्नमेंट कहेगी कि आपको टैक्स तो असेसमेंट ईयर में देना ही है, प्रीवियस ईयर में क्यों नहीं दे देते? कमाते रहो, थोड़ा 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 देते रहे, बोल सकती है या नहीं बोल सकती है? बोल सकती है, और वो कहती है दीजिए, बाद में आप खर्च कर देंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पता ही लगेगा, एडवांस टैक्स। अच्छा, गवर्नमेंट हमारे ऊपर विश्वास करती है कि हम सारा टैक्स टाइमली देंगे, हर इनकम को शो करेंगे, या विश्वास नहीं करती है? नहीं करती है। बाप रे बाप, किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट हमारे ऊपर विश्वास नहीं करती? ए ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया, ₹2 करोड़, इससे इंटरेस्ट मिलता है 20 लाख, 20 लाख रुपीज। पैसा कमा कौन रहा है, ए कमा रहा है या बैंक कमा रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट? बैंक तो अपना पैसा कमा ही रहा होगा, लेकिन ए बाय वे ऑफ इंटरेस्ट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? हाँ या ना? यस। टैक्स किसको देना चाहिए, ए को देना चाहिए या बैंक को देना चाहिए? किस इंटरेस्ट पे? ए को देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इस बैंक को ऐसा करो, टीडीएस काट लो, थोड़ा सा काटना, थोड़ा सा 10% काटो, 2 लाख और जमा करवा दो, क्योंकि 20 लाख इनकम है, 20 लाख तो टैक्स नहीं बनेगा। मान लीजिए इसका टैक्स बनता 3 लाख रुपया, तो 3 लाख में से 2 लाख रुपया वो बैंक को दे के, बैंक ऑलरेडी जमा करवा चुका ए के बिहाफ पे बाय वे ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस जगह से ए पैसा कमा रहा था, वहीं पर उसका टैक्स काट लिया गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और ये कब काटा गया होगा, प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में, बताइए? प्रीवियस ईयर में, यहीं पर है ना। तो इसका एडवांस टैक्स और ये एक भाई साहब बन गए टीडीएस। और एक कॉन्सेप्ट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भी, वो बाद में करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर इसका टैक्स बना 6 लाख रुपया, 4 लाख रुपया टीडीएस और एडवांस टैक्स के रूप में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट हो चुका, बैलेंस 2 लाख रुपया वो कब डिपॉजिट करेगा? असेसमेंट ईयर बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइल करते वक्त डिपॉजिट कर देगा, हाँ या ना? अगर ये 2 लाख लेट जमा करवाता है तो गवर्नमेंट क्या कहेगी उससे? क्या मांगेगी उससे? इंटरेस्ट, पेनल्टी नहीं, पेनल्टी नहीं, जमा करवा रहा हूं, सजा क्यों दोगे? इंटरेस्ट। और रिटर्न लेट फाइल करोगे तो क्या पैसा लेट जमा करवाया तो इंटरेस्ट, रिटर्न लेट फाइल किया तो लेट फीस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं आपको दिखलाता हूं। ये देखिए, हमने यहां पर क्या क्या कर लिया आपके साथ, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 10 पांचों हेड, क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। इसके बाद
हमने बताया कि टीडीएस कटेगा, टीडीएस का सेक्शन कौन सा, 192। ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। और देखिए इतना सारा चैप्टर है लेकिन सारा चैप्टर आप में नहीं है। अरे बाप रे ज्यादा बढ़ गए, 192। ये 192 कौन सा चैप्टर है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो 192 मुझे चैप्टर ही दिखाना चाहिए आपको, चैप्टर कौन सा है, ऐसे नहीं। डबल टैक्सेशन तो मुझे पता है 1990A का है, ये कौन सा देखते हैं, 115 है ये, ओके इनकम टैक्स ये 115 ही, अच्छा 115 ही चल रहा है अभी। एडवांस रूलिंग पेनल्टीज तो 70 में आ गया, 270 समथिंग है, फोर्थ में जाते हैं, यही आएगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी प्रोसीजर 139 139 130, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, यस। तो ये पूरा है 190 से लेकर ये पूरा चलेगा, 206C तक, कहाँ गया 6C। फिर उसके बाद एडवांस टैक्स शुरू होगा 207 से, ये रहा एडवांस टैक्स जो चलेगा 211 तक। फिर इंटरेस्ट 234ABC जो हम लोग करेंगे, 234ABC, 234ABC, ठीक है। उसके बाद एक लेट फीस भी है, लेट फीस ये रहा 234F, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ। आ गया था नजर सारा, समझ में आ गया आप लोग को। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप बताइएगा। सैलरी सेक्शन बताइए, याद करना है ये सारे सेक्शन 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। अच्छा स्लैब रेट के क्वेश्चन दिए थे, वो आपने व्हाट्सएप भी किया था, सॉल्यूशन मैच कर गया था PGBP, ठीक है। 28 से 44 D A तक कर लीजिए आप, कैपिटल गेन A तक, अदर सोर्सेस 56 to 59, क्लबिंग 60 to 65, सेट ऑफ 70 to 80, क्विक डिडक्शंस 80C to 80U, फिर हमने TDS, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फीस, ये सारे बताए थे। फिर सैलरी से पहले कुछ चैप्टर्स और हैं वो मैं बताता हूं, सैलरी से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं यहां लिखता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1 to 4, रेजिडेंशियल स्टेटस 5 to 9, और एग्जेम्प्टेड इनकम 10 to 13A, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अब हम इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं,
बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस एग्जेम्प्टेड इनकम, पहले तीन बेसिक कॉन्सेप्ट 1 to 4 रेजिडेंशियल स्टेटस, 4 के बाद 5, 5 to 9 और 10 में तो एग्जेम्प्टेड इनकम लिखा ही हुआ है, तो एग्जेम्प्टेड इनकम 10 to 13A, क्लियर है? तो 1 to 4, 5 to 9, 10 to 13A, 1 to 4, 5 to 9, 10 to 13A, ऐसे याद हो जाएगा। फिर 5 हेड्स शुरू हो जाएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44D, 45 से 55A और 56 to 59। फिर क्लबिंग एंड सेट ऑफ 60 to 65 और 70 to 80, डिडक्शन 80C to 80U, टीडीएस का सेक्शन हमने लिखा नहीं है, लिख देता हूं 192 से लेकर 206C तक, 207 से लेकर 211 तक, इंटरेस्ट 234A, B, C, लेट फीस 234F। ये सारे सेक्शंस और चैप्टर, अब तो चैप्टर तो आपको याद हो ही गए होंगे, पर ये चैप्टर के नाम, बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं आपको वॉइस दूं आप बोलेंगे? चलिए, मैं हेडफोन लेके नहीं लगाया इसलिए सुनाई नहीं देगा। बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस एग्जेम्प्टेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, डिडक्शंस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फीस, ये आपके चैप्टर्स के नाम है। और ये किताब में कंटेंट में भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस एग्जेम्प्टेड इनकम हम लोग बाद में लिखेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये डिप्रिसिएशन पीजीबीपी का ही पार्ट है, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, रेट्स ऑफ टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, असेसमेंट ऑफ फर्म अलग से हम लोग करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट अगेन एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट है, टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, इंटरेस्ट, बाकी डेफिनेशन और बाकी कुछ है, क्लियर है? इसके बाद अगर आप देखेंगे ये, इसको याद रखिए, पहला वन है यानी कि पहला चैप्टर हम लोग करेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे रेजिडेंशियल, इसके बाद फोर्थ चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर बाद में करेंगे, ये हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है, इसके बाद सैलरी है, उसके बाद डिडक्शन है, इस तरह से इसी ऑर्डर में हम लोग आपके साथ करेंगे। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो हम लोग ग्रुपिंग कर दिया है, तो हमने ये कहा कि ग्रुप डी 98% चांस है आने का आपके एग्जाम में, 16, 17, 18, 19, ये वाला टीडीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, इसका 98% यानी कि हर अटेम्प्ट में 10 नंबर का आएगा ही आएगा। इसके बाद आप देखिए 95% चांस, 5, 6, 7, 10, 12, इन सारे चैप्टर्स को मिला के। लेकिन अब सीए में क्या कर दिया उन्होंने, एमसीक्यू भी पूछना शुरू कर दिया, सीएमए में तो बहुत पहले से पूछ देता, तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हर हालत में पूछेंगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, हमने पहला चैप्टर आपके साथ कंप्लीट कर लिया, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें लिखी हुई हर चीजें हम बता दिए, अर्न इनकम, पे टैक्स, आपके पास किताब है, आप देख लीजिएगा, बेसिस ऑफ टैक्सेशन, स्लैब रेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम जो हमने आज किया, टैक्स ट्रीटमेंट, अरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हम लोग बता पूछना भूल गया, एनी एक्सपेंडिचर इनकर फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आपके पास घर है उसका रिपेयर करवाते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन घर ही खरीद लेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम ये हम लोग कर चुके आपके साथ कि चार हेड में डिवाइड करेंगे, ये हमने चार्ट के रूप में बता दिया था आपको, पांचों हेड जोड़ेंगे, दो एडजस्टमेंट करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, डिडक्शन माइनस करेंगे, टोटल इनकम आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर बता दिया था, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न का लास्ट डेट हमने बता दिया था 30 सितंबर और 31 जुलाई, नेक्स्ट फाइनेंस बिल से ये डेट चेंज हो रही है, ये 31 अक्टूबर हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल होता है,
पर्सन का डेफिनेशन हमने बताया था आपके साथ डिस्कस कर लिया, एसएससी का डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इन ब्रीफ, ये रेवेन्यू और कैपिटल ये आपको खुद करना है। एक्सीलेंट, हर एक चैप्टर के आगे हमने ये लिखा, यू हैव जस्ट लर्न हाउ द इनकम टैक्स वॉज बॉर्न, ऑल लॉजिक्स ऑफ इनकम टैक्स शैल बी डिराइव फ्रॉम दीज वेरी ऑब्वियस टॉपिक्स, द अबव टॉपिक्स हैव क्रिएटेड अ फाउंडेशन इन इनकम टैक्स, नाउ यू नो वॉट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, टोटल इनकम, स्लैब रेट एक्सेट्रा, बट डू नॉट स्टॉप हियर एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज, अदरवाइज यू मे फॉरगेट एवरीथिंग, गो टू नेक्स्ट स्टेप, इट इज वेटिंग फॉर यू नाउ, रन, कीप रनिंग। तो हम लोग यहां पर आपका असेसमेंट ईयर ये वाला, सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब कल इसी टाइम, अच्छा ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में बता दूं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते नहीं है, अगर आएंगे तो बहुत कम मार्क्स के आएंगे, और ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आप खुद ब खुद पढ़ लीजिएगा, हम लोग किसी दिन टाइम मिलेगा तो जरूर करवाएंगे। और ये हमने आर्टिकल 265 तो आपको करवाया ही था, नो टैक्स कैन बी शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, 246 ए, जीएसटी लेवाई करने का पावर आ गया। फिर इनकम टैक्स में ये मैं बता ही चुका लॉ का मतलब क्या होता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ये मैं दिखला चुका आपको, एक्सप्लेनेशन क्लॉज, प्रोवाइडेड क्लॉज, तीन तरह के अमेंडमेंट्स हैं, ये सब हम लोग आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में हमने कुछ YouTube में वीडियोस भी बनाए हैं, आप सिर्फ सर्च करेंगे ना, हाउ टू मेमोराइज टैक्स, ऑलवेज पास, नेवर फेल स्ट्रेटजी, एमसीक्यू स्ट्रेटजी, ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कल हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा फोन करके।